मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल फोल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 10th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। द 10th of May 1994 को साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय यानी नॉन रेशियल, जिसमें जातिवाद के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ऐसी सरकार की स्थापना हुई। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए वहां की सरकार ने एक प्रोग्राम यानी सेरेमनी रखी। यह उद्घाटन समारोह यानी इनॉगरेशन सेरेमनी पर्टोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाए गए सैंडस्टोन के एम्फीथिएटर में हुआ, जहां दुनिया के कई बड़े बड़े लीडर्स कलेक्ट हुए थे। सेरेमनी में नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जीनानी के साथ आए थे। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति यानी सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट और थैबो मबेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ यानी ओथ ली। उन दोनों के बाद मंडेला ने आजाद हो चुके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उन्होंने संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने और उसे कायम रखने और लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। शपथ लेने के बाद मंडेला ने गेस्ट्स को संबोधित यानी एड्रेस किया। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाने का वादा किया जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। उन्होंने सेरेमनी में शामिल होने के लिए पूरी दुनिया से आए हुए सभी लीडर्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये केवल हमारी जीत नहीं बल्कि यह अन्याय के ऊपर न्याय की एक बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वे सोसाइटी से सभी प्रकार की गरीबी, कष्ट, परेशानी और भेदभाव को दूर करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि यह न्यू सोसाइटी सभी लोगों के लिए उम्मीद यानी होप, समानता और स्वतंत्रता लाएगी। जब मंडेला ने शपथ ली थी तो साउथ अफ्रीका के जेट विमानों ने अपनी मिलिट्री पावर का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी कंट्री की डेमोक्रेसी के प्रति सेना की वफादारी भी दिखाई। वहां जितने भी बड़े बड़े मिलिट्री जनरल थे उन सब ने नेल्सन मंडेला को सलूट किया। उन्होंने बताया कि मिलिट्री ने उन्हें कई साल पहले ही गिरफ्तार कर लिया होता। इसके बाद वहां दो नेशनल एंथम गाए गए। व्हाइट लोगों ने नकोसी सिकेलेल गाया और ब्लैक लोगों ने पुराना एंथम डाई स्टेम गाया। इसके बाद सेरेमनी का एंड हो गया। नेल्सन मंडेला को बीते हुए दिनों की याद आई जो अब जल्दी ही इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। इससे पहले जब उनके देश पर अंग्रेजों का राज था तब उन लोगों ने ब्लैक पीपल के खिलाफ जातिवाद और भेदभाव आदि चीजों का एक सिस्टम बना रखा था। ये एक बहुत ही कठोर समाज था जिसे बाद में ब्लैक लोगों द्वारा फिर से पलट दिया गया। उन्होंने कहा कि उस रंगभेद की नीति, जिसे हम नस्लीय अलगाव की नीति भी कह सकते हैं, जहां लोगों में जाति और रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उस नीति ने उनके देश और उसके लोगों पर गहरा और कभी न मिटने वाला घाव बनाया है। और अब ये एक ऐसी नई व्यवस्था थी जो सभी लोगों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता को मान्यता देती थी और किसी भी तरह का कोई भेदभाव किसी के बीच में अब नहीं रहा था। अब लोग अपने हिसाब से अपना काम कर सकते थे और जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते थे। अब अंग्रेजों का अत्याचार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इस शुभ दिन पर मंडेला ने हजारों लोगों के नुकसान पर यानी कि हजारों लोगों की जान चले जाने पर दुख जताया और उन लोगों को याद किया जिन लोगों के बलिदान की वजह से आज उन्हें सभी तरह के भेदभाव, जातिवाद आदि से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई थी। नेल्सन मंडेला ने कहा कि जिन सभी अफ्रीकी देशभक्तों ने अपने देश के लिए उनसे पहले जान दी है, वे उन सब देशभक्तों को मिलाकर उनका टोटल रिजल्ट है, यानी कि वे उन सभी देशभक्तों के द्वारा दिए गए बलिदान का परिणाम है। कहने का मतलब ये है कि उनसे पहले अफ्रीका की आजादी के लिए जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर शहीद हो गए, उनकी देशभक्ति देखकर और उनके बारे में सुनकर और उन सभी लोगों से इंस्पायर होकर मंडेला के मन में भी अपने देश के प्रति कुछ करने का विचार आया और उन लोगों से सबक लेकर ही उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया था। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि वे उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सके जिन्होंने उनसे पहले देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी थी। उन्होंने ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू आदि जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जो बहुत ही हिम्मत वाले और फुल ऑफ नॉलेज थे। उन्होंने इन सभी लोगों से सीखा कि साहस का मतलब डर की कमी नहीं बल्कि उस डर पर जीत है। मंडेला का मानना था
कि किसी देश के नागरिक ही उस देश की असली संपत्ति हैं, यानी असली धन होते हैं। मंडेला का मानना था कि सफेद रंग का होना या काला होना यह नहीं बता सकता कि पर्सन अच्छा है या बुरा। कोई भी पर्सन कलर या रिलीजन के आधार पर दूसरे लोगों से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है। लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्यार नेचुरली रूप से होता है, जबरदस्ती से नहीं। मंडेला का मानना था कि हर पर्सन की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक अपनी फैमिली के प्रति और दूसरी अपने कंट्री के प्रति। उनका मानना था कि हर सोसाइटी में आदमी को इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की क्षमता यानी पावर होनी चाहिए। लेकिन उन्हीं की तरह साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ ब्लैक पर्सन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर सका। अपने देश के लिए कुछ करने के बदले में मंडेला को उनकी फैमिली से दूर कर दिया गया। इस तरह वे अपने परिवार के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सके। मंडेला को याद था कि एक बच्चे के रूप में उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब वह सब करने में सक्षम होना था जो वे चाहते थे। जब तक वे अपने फादर और अपने कबीले के नियमों का पालन करते रहे तब तक वे कम्प्लीटली फ्री थे। एक स्टूडेंट के रूप में वे सिर्फ अपने लिए आजादी चाहते थे। फिर जोहान्सबर्ग में एक यंग मैन के रूप में वे अपने सपनों को हासिल करने, फैमिली शुरू करने और अपने लिए पैसा कमाने एटसेट्रा की फ्रीडम चाहते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्हें ये एहसास होने लगा कि बचपन में उन्हें जो आजादी मिली थी वह केवल एक धोखा थी, क्योंकि बचपन में वे आजादी का असली मतलब नहीं जानते थे। आगे चलकर मंडेला को इस बात का एहसास हुआ कि उनके सहित उनके पूरे समुदाय यानी कम्युनिटी में स्वतंत्रता का अभाव है, यानी कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वह अंग्रेजों के गुलाम हैं और उनके साथ साथ उनकी पूरी कम्युनिटी भी अंग्रेजों की गुलाम है। वह आजाद नहीं है, वह अपनी कम्युनिटी के लिए स्वतंत्रता, सम्मान और शान हासिल करने की इच्छा के साथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। सभी लोगों के लिए फ्रीडम को पाने की उनकी इच्छा ने उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। वह एक डरे हुए पर्सन से एक साहसी व्यक्ति में बदल गए, जिसने उन्हें एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति से एक अपराधी बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि आजादी सबके लिए होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। आजादी को किसी भी कीमत पर बांटा नहीं जा सकता, यानी उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। किसी भी इंसान को ये डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है कि कौन गुलाम रहेगा और कौन आजाद रहेगा। मंडेला को एहसास हुआ कि जब तक उनका समुदाय यानी उनकी कम्युनिटी आजाद नहीं होगी तो वह अपनी आजादी का आनंद नहीं ले पाएंगे। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि अगर कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी को परेशान कर रहा है तो वे दोनों आदमी गुलाम हैं, क्योंकि वह आदमी जिसने दूसरे आदमी को गुलाम बनाकर रखा हुआ है वह भी अपनी लाइफ को फ्री होकर नहीं जी सकता। उसका दिमाग भी हमेशा दूसरों को गुलाम बनाने और उन्हें परेशान करने में लगा रहता है, यानी कि वह अपनी लाइफ में भी कभी चैन से नहीं जी सकता, क्योंकि वह फ्री होकर अपने किसी भी काम को नहीं कर सकता क्योंकि उसका दिमाग दूसरों को परेशान करने में लगा रहता है और वह अपनी इस घटिया सोच का गुलाम बना रहता है। दोनों की मानवता समान रूप से छीन ली जाती है। इन दोनों को ही मुक्ति मिलनी चाहिए, यानी कि जो गुलाम बना रहता है उसे भी आजादी मिलनी चाहिए और जो गुलाम बनाता है उसे भी उसकी घटिया मानसिकता से आजादी मिलनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।